मुफ्ती ए आजम मध्य प्रदेश मौलाना हजरत मोहम्मद हमीद अहमद सिद्दीकी ने कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से खुद की और परिवारजनों की सुरक्षा के लिए रमजान के पवित्र माह के दौरान शासन के द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील की है। आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ रमजान की आमद की। कल इंशाअल्लाह ताला हमारा पहला रोज़ा होगा। हसबे मामूल कलेक्टर साहब, एसपी साहब तशरीफ लाए और हुकूमत की गाइडलाइन के बारे में मुझे बताया। गाइडलाइन आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी, पिछले साल भी कुछ हिदायत मैंने इस सिलसिले में दी थी और इस साल पिछले साल के मुकाबले में हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हैं जैसा मुझे बताया गया। आपके इल्म में भी होगा हजरात, हमको हुकूमत की गाइडलाइन पर ही चलना बेहतर है। हुकूमत की गाइडलाइन इस मौके पर रमजान के पहले क्यों जारी की गई ये आप समझते हैं। इसके पहले हम बड़ी आज़ादी के साथ मस्जिद में नमाज़ें भी पढ़ रहे थे, कुछ ज़्यादा पाबंदी या सख्ती नहीं थी। अब पाबंदियाँ और सख्तियाँ और जो गाइडलाइन है उस पर अमल करने के लिए हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है, बल्कि हमें मशवरा दिया जा रहा है, वो क्यों? वो इसलिए कि हालात पिछले साल के मुकाबले में इस साल रमजान मुबारक के मौके पर और ज़्यादा बदतर हैं। हुकूमत की हिदायत पर अमल करना हमारे लिए बेहतर है। रमजान मुबारक यकीनी बात है बड़ी फजीलतों और बरकतों का महीना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हासिल करने के लिए इस माह मुबारक के हर लम्हे का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं, मगर थोड़ी सी पाबंदियों के साथ, जो गाइडलाइन है उस पर अमल करते हुए आपको बिल्कुल छूट है। पाबंदियों पर अमल करते हुए नमाज़ें पढ़िए, रोज़े रखिए, सब कुछ आप कीजिए, मगर गाइडलाइन को सामने रखते हुए उस पर अमल करते हुए।